नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल जरूर क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम जो हमने सेग्रेशन शेट की ID बनाई थी मनरेगा पोर्टल पर, उसका जो TS है वो इंजीनियर महोदय ने के द्वारा होती है सिक्योर पोर्टल पर, और उसकी AS ग्राम पंचायत के लॉगिन से सिक्योर पोर्टल पर होती है। हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम AS इस पर करते हैं और किस तरह से इनबॉक्स में हमारी TS आती है। दोस्तों, इसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये प्योर वर्क केवल मनरेगा से हो रहे हैं और कोई सा कन्वर्जेंस नहीं है, तो उसकी जो TSAS है वो सिक्योर पोर्टल पे होती है। ठीक है, ID बनती मनरेगा पोर्टल से और TSAS होती है सिक्योर पोर्टल से। तो ठीक है दोस्तों, हम हमारे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन करते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारे सामने इस तरह से होम स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ सिक्योर पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जाएगा, और दोस्तों ये सारी चीज़ें आएंगी। मैं बाकी ऑप्शंस के बारे में आपको एक एक करके बताते रहूँगा। अभी दोस्तों, इनबॉक्स में जैसे ही आपके इंजीनियर महोदय द्वारा TS की जाएगी, उसके बाद आपके ग्राम पंचायत लॉगिन में इनबॉक्स में दिखने लगेगी। फाइल ID दिख जाएगी, वर्क कोड दिख जाएगा, नेम ऑफ द वर्क पूरा दिख जाएगा। दोस्तों, जैसे मैंने SLWM अंतर्गत ग्राम बनास में सेग्रेशन शेड का निर्माण कार्य किया लिया था, तो वो दिख रहा है। उसके बाद सेंट ऑन किस डेट को सेंड किया वो भी यहाँ दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हम सीधे यहाँ से करेंगे फॉर AS अप्रूवल। ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा एस्टिमेटेड अमाउंट इन सिक्योर इज, जैसे 5,50,818 का है, एंड LB स्टेटमेंट कोड इज 4.97 लाख। दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन ऑनली। ओके पर हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, हमें एक एक स्टेप करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से दोस्तों, हम पूरा देख सकते हैं डिटेल वन, नेम ऑफ वर्क पूरा देख सकते हैं, प्रपोज ड्यूरेशन टू कम्प्लीट वर्क देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम देख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें दोस्तों हम देख सकते हैं एस्टिमेशन पर जाकर, और पूरी DPR डिटेल में देख सकते हैं। हम DPR को प्रिंट भी ले सके, सेव कर सकते हैं, एक फाइल बनाकर रख सकते हैं हमारे ग्राम पंचायत में। तो ये पूरी DPR भी दोस्तों दिख जाएगी आपको। आप स्क्रॉल करके आएंगे तो एस्टिमेटेड कास्ट यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, राउंडेड टोटल कितना होगा, ऐसे 5,50,818 वो दिख रहा है। ठीक है, उसी को 5,50,818 ऐसा लिख दिया पूरा। तो ये पूरा दोस्तों आप प्रिंट लेकर अपने एक फाइल बनाकर भी रख सकते हैं ग्राम पंचायत में। इसके बाद दोस्तों, डाटा एनालिसिस पर क्लिक कर सकते हैं हम। इसमें पूरी देख सकते हैं 100 स्पेसिफिकेशन, एक एक पर क्लिक करके पूरा 100 स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं हम। ये देखिए, ठीक है, पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, फाइल हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे हम, तो इसमें दिख जाएगा किस किस दिन आपकी क्या क्या मतलब पूरी प्रोग्रेस रही, स्टेप बाय स्टेप, डेट बाय डेज। इसके बाद नोट्स पर देख सकते हैं दोस्तों, नोट्स में वही दिखेगा किस दिन फॉर TSAS के लिए अप्रूवल हुई, TS अप्रूव्ड हुई, सेंड फॉर अप्रूवल, इनिशिएट हुई, वो पूरा दिखेगा आपको। फॉरवर्ड एंड अप्रूवल, इसके पहले दोस्तों हम TS स्लिप पर क्लिक कर लेते हैं। ये आपकी पूरी TS स्लिप है दोस्तों, जो आपकी पूरी TS बनी है। जैसे लेबर चार्जेस यहाँ अनस्किल्ड लिखा है 54,485। ठीक है, मटेरियल लिखा है 4,74,332। ऐसा दोस्तों लमसम जो लिखा है 20,000। इस तरह से दोस्तों आपकी पूरी डिटेल लिख रहेगी, नंबर ऑफ मेन डेज लिखे रहेंगे, है ना। टेक्निकल सेक्शन गिवन बाय आपके इंजीनियर महोदय का नाम रहेगा यहाँ पूरा। तो आप इसको प्रिंट लेकर अपने कंप्यूटर मोबाइल में सेव भी कर लें और उसकी एक फाइल बनाकर भी रख लें। इसके दोस्तों हम प्रिंट TS स्लिप को प्रिंट करके रख लेंगे और प्रिंट ले लेंगे। इसके बाद फॉरवर्ड एंड अप्रूवल दोस्तों मेन है, इसमें हमें AS करना एक्शन, तो इसमें हम लिख देंगे AS FS अप्रूव्ड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन और फाइनेंशियल सेक्शन अप्रूव्ड। ठीक है, यदि कैंसिल करना है तो फॉर TS कैंसिल के लिए कर सकते हैं, हमें अप्रूव करना है तो AS और FS अप्रूव्ड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद टू, तो जो हमारे इंजीनियर महोदय उन्हीं का नाम आएगा वो हो जाएगा। रिसॉल्यूशन नंबर आप डाल दें, आपकी जिस भी TS नंबर आप AS नंबर जो देना चाह रहे हैं वो दे दें आगे का। ठीक है दोस्तों, हमने डेट भी डाल दी है आज की, रिसॉल्यूशन नंबर डाल दिया है, मतलब AS नंबर डाल दिया है। अपलोड फाइल, अब दोस्तों यहाँ से हमने TS स्लिप को प्रिंट करी थी उसी को PDF रूप में सेव कर लें और उसके बाद अपलोड फाइल यहाँ से कर दें। ठीक है, या फिर जो आपने AS करी है सरपंच महोदय के साइन से, वह AS की फाइल यहाँ पर चूज़ फाइल कर अपलोड कर दें। इसका दोस्तों नोट में आप यदि कुछ लिखना चाहें तो वो लिख दें। जैसे मैंने पूरी दोस्तों यहाँ जैसे मैंने पूरी डिटेल लिख दी, वर्क नेम पूरा लिख दिया। ठीक है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, है ना, वो पूरी डिटेल लिख दी, कितना लेबर चार्ज, ये सब पूरा डिटेल यहाँ पर लिख दिया है। आप TS से कॉपी करके भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा लिखने के बाद दोस्तों हम सीधे यहाँ क्लिक कर देंगे अपलोड एंड फॉरवर्ड। ये देखिए, मैंने क्लिक किया।
जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ लिखा जाएगा एएस अप्रूव्ड, ठीक है, मतलब हमारी जो एएस हमने करना था ग्राम पंचायत क्लागेंस से वो एएस अप्रूव्ड हो चुकी है, अब ओके पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये कार्य क्या है इसकी टीएस भी, पहले सबसे पहले तो हमने मनरेगा पोर्टल से सेग्रेशन सेट की आईडी बनाई, उसके बाद उस सिक्योर पोर्टल पर गया, सिक्योर पोर्टल पर इंजीनियर महोदय ने टीएस करी, टेक्निकल अप्रूवल करा, उसके बाद ग्राम पंचायत के लॉगिन पर आया, ग्राम पंचायत के लॉगिन से हमने अभी एएस की पूरी प्रोसेस सीखी एएस की। अब दोस्तों यह मनरेगा पोर्टल पर चले जाएगा, अब हमें इसका जियो टेक करना होगा भुवन मनरेगा ऐप से, और उसके बाद इस पर मस्टर निकाल कर काम स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस है, मैं इसके बाकी ऑप्शंस भी आपको एक एक करके बताते रहूंगा। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपको हर जानकारी से अपडेट कराते रहूंगा, इसके लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन पर ऑल जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे हर प्रत्येक वीडियो प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें और आप अपडेटेड होते रहें। और दोस्तों स्वेच्छा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन से आप कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।